खड़ा होगा खड़ा हो मने ना ना देखो अभी एगो हम न्यूज पढ़े हैं कि ननदे से भौजाई ब्याह कली है। हाँ ना ना आप पढ़ाते बार बार पढ़ाते समय जो आप उनको देखते हैं ये सुनिए ना ना देखो ये हम ये सब अच्छा बात समझ गए ना। बैठिए ठीक ठाक से रहिए तो चाल चलन ठीक रखिए। सुनिए इधर दिक्कत ये है कि गार्जियन को भी तो शक नहीं होगा ना मोछ मोछ बिकर्सन लेकिन रेयर केस में हो सकता है। हाँ बताएंगे नहीं बताएं भाई ए बी और सी डी हमको सिद्ध करना है कि रेखावा ना काटे ले क्या करती है रेखावा तो पहले उल्टा मानेंगे कि रेखावा काटती है रेखावा क्या कर दिया काट दिया कौन कहता चानी। हम बता रहे थे कि विद्युत क्षेत्र का आपको सिद्ध करना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो सबसे क्यों क्वेश्चन आ गया क्यों तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें मान लेना होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। क्वेश्चन कहा था कि नहीं काटती हैं तो तहरा माने के बाद काटती है उल्टा सिस्टम उल्टा मानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आगे की तरफ चलेंगे हम। अगर कोनो नियम गलती होता है तो कहेंगे कि नहीं काट सकता है अगर नियम सही होता है तो कहेंगे काट सकता है। जैसे एग्जांपल समझिए मान लो कोनो कुत्ता बा आ कुत्ता के सिद्ध करे के बाद काटाह बा लेकिन तारा सिद्ध करे के बाद कि काटाह होवे सिद्ध करो तो सबसे उल्टा मानिएगा कि माना कि कुत्ता जो है सिद्ध हुआ है आप क्या माने हैं क्या कि सिद्ध करना है काटा है तो उल्टा मानिए कि सिद्धुआ है। आप जब मान लीजिए सिद्धुआ है तो खाना खा रहा है तो सिद्धुआ समझ के गए उसका टंगड़ी खोद रहे हैं उसका पूंछ ऐट रहे हैं उसका कान हिला रहे हैं क्या है आप माने हैं कि सिद्धुआ है तो उलट के दो चार छेव मार दहलस जब उलट के दो चार छेव मरलस तो आपकी मान्यता हो गई गलत इसका मतलब कुत्ता काटा था है कि नहीं। इसी तरह से मान लो किसी को है कोनो पागल को सिद्ध करना है सिद्ध करिए कि पागल है पागलवा को सिद्ध करना है कि पागल है तो पहले क्या मानेगा पागल नहीं है तो जब पागल नहीं है तो बुद्धिमान है। और आप गए फगुआ के दिने अबीर लेकर तनी उम्र दराज है पैर पर रखे प्रणाम बाबा तो दू केहुनी दे के दाँते काट ले तो ये तो क्वेश्चन आई कि भाई दू केहुनी मरलस दाँते कहाँ कटलस ये प्योर पागल बा इसका मतलब हुआ आपकी मान्यता क्या हो गई गलत हो गई जो आप मान रहे थे उसके हिसाब से काम कर रहे थे आपकी मान्यता गलत हो जा रही है इसका मतलब पक्का प्योर पागल है। खड़ा हो मने ना ना देखो अभी एगो हम न्यूज पढ़े हैं कि ननदे से भौजाई ब्याह कली है। हाँ ना ना आप पढ़ाते बार बार पढ़ाते समय जो आप उनको देखते हैं ये सुनिए ना ना देखो ये हम ये सब अच्छा बात समझ गए ना। बैठिए ठीक ठाक से रहिए तो चाल चलन ठीक रखिए। सुनिए इधर दिक्कत ये है कि गार्जियन को भी तो शक नहीं होगा हाँ मोछ मोछ बिकर्सन लेकिन रेयर केस में हो सकता है। हाँ बताएंगे नहीं बताएं भाई ए बी और सी डी हमको सिद्ध करना है कि रेखावा ना काटे ले क्या करती है रेखावा तो पहले उल्टा मानेंगे कि रेखावा काटती है रेखावा क्या कर दिया काट दिया कौन कहता चानी रेखावा काट दिया चानी है ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं दोनों कहाँ काट रही हैं ओ पर तो ओ बिंदु जो उभयनिष्ठ बिंदु है उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में उपलब्ध है अगर ए से बी तक चलेगा तो ए से बी तक जाते हुए आपको ओ बिंदु मिलेगा और सी से डी तक चलेगा तो सी से डी तक जाते हुए भी ओ बिंदु मिलेगा इसका मतलब हुआ ए बी और सी डी दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु कौन है ओ है ठीक है। तो हरे के ताके में तो हम का कही अब जा सन ताका ताकि चालू बा पढ़े कि नहीं कही सुनिए अब तो गाना गाते ताकते रहते शाम सवेरे ये तो दोपहरिया में ताकता है भाई जो है अब ए बी पर एगो स्पर्श रेखा खींचा ओ से एगो स्पर्श रेखा ई वन क्या खींचा किन किनाए लगो
लहसी नहीं हो सुनिए कहता वट लहसी शहर में रहे तो नानू बुझे सी डी पर एगो स्पर्श रेखा खींचो ई टू। अब ध्यान देना है आपको एक चीज़ पर, सब बच्चा बच्ची को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि चित्र बनाते समय कभी कभी लड़के होता है ना गलत चित्र बना देते हैं और उन लोगों को लगता है कहा कि वाह चित्र तो हम सही बनाए हैं, नंबर उनका कट जाता है और उसको कहता है कहा फलानवा का नंबर दे दिया, चिलानवा का नंबर काट लिया। कहाँ गड़बड़ी करता है लड़का? सुनिए ऐसे करेगा आ हेंग बना देगा। ये स्पर्श रेखा है जी सीधा निकल, ये स्पर्श कर रहा है नहीं। अच्छा कैसे ऐसे बना देता है, स्पर्श कर देगा, स्पर्श करते जाता छतर बांध ले लस। अब रूप धारी ठीक बा, इच्छाधारी हो। अरे लकीर यहाँ से यहाँ तक सटना चाहिए, सीधा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ सटा है सीधा होना चाहिए। तो ध्यान में रखना है कितनी वक्र रेखाएं हैं, वक्र मैंने टेढ़ी, कौन कौन, एगो ए भी है एगो सी। किस बिंदु पर काट रही है? ओ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु है। ए बी पर एगो स्पर्श रेखा ई वन खींचा ओ से, ए बी पर एगो स्पर्श रेखा ई वन खींचा ओ से, और सी डी पर एगो स्पर्श रेखा ई टू खींचा कहाँ से? ओ से ही। एक बिंदु पर कई गो स्पर्श रेखा है, लेकिन होता है एक के गो, दसवां पढ़ा होगा कि सिर्फ एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो नहीं। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। मैंने जब काटेगा तो स्पर्श रेखा कई गो बनेगा, आ कई गो होना चाहिए एगो। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। छोटा सा ट्रिक में समझ लीजिए, वो याद रहेगा। मैंने कहिएगा रेखा काटेगा तो स्पर्श रेखा बनेगा कोई गो, जो कि नहीं होता है, होना कोई गो चाहिए। अतः हमारी मान्यता गलत है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। कौन को समझा? पूरा समझा ना मेरे भाई।